तो चलो अब इलेक्ट्रिसिटी मशीन में देखते हैं कितना हमारा वजन निकलने वाला, कितने गिलास जूस निकलते हैं। तो इसके अंदर भी हमारा जो वजन है गन्ने का वो 600 ग्राम रहने वाला है, जैसे हमने पहले वाले में किया था उसका भी 600 ग्राम था, हमने पहले ही वजन करके रखा। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी मशीन के अंदर भी हमने गन्ना डाल दिया और देखते हैं हमारा कितने गिलास ऑफ जूस हमारा इसके अंदर निकलता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे सिंगल क्रश के अंदर रहने वाली है आपकी मशीन, तो एक ही बारी में सारा जो गूदा है वो निकल जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई भी एक्सट्रैक्शन का नहीं बचता। अब यहाँ पे करेंगे मशीन को ऑफ और देखते हैं हमारा कितना जूस निकलने वाला। तो यहाँ पे जो है हम लोग निकालते हैं गिलास के अंदर, देखते हैं कितने गिलास जूस रहने वाला। तो हमारा एक गिलास लगभग सेम ही एक्सट्रैक्शन जो हमारी रहने वाली है दोनों के अंदर, के हमारे जो दोनों है इसके अंदर भी सेम दो गिलास, इसके अंदर भी दो गिलास निकला। अब पेट्रोल का जो पेट्रोल का वर्जन होगा वो पेट्रोल के हिसाब से कॉस्टिंग होगी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के हिसाब से। इसके अंदर भी कॉस्टिंग हमारी 2 से 3 वेरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी आपको कितनी सस्ती है महंगी मिलती है।